पंजाब सीएम भगवंत मान ने ड्रग्स के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इससे ड्रग माफिया के खेमे में हड़कंप मच गया। आखिरकार वो कौन सी रिपोर्ट है जिसको आज तक खोला नहीं गया? और एक इंतजार के बाद सीएम मान ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की उन रिपोर्ट्स को खोलने का फैसला लिया है। इस खास रिपोर्ट से समझिए। ड्रग्स पंजाब की सबसे बड़ी समस्या है। पंजाब के युवा कम उम्र में ही ड्रग्स के चपेट में आ जाते हैं। नशे के कारण कई परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। इसको देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बंद 3 लिफाफों की रिपोर्ट जो पिछली सरकारों में नहीं खोली गई, वो मुख्यमंत्री भगवंत मान की रजामंदी के बाद रिपोर्ट खुल चुकी है। दावा किया गया है इस रिपोर्ट में बड़े राजनेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। मान ने कहा है कि जिन लोगों ने पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में ढकेला, उन पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। फाइल खुलने के बाद ड्रग्स के धंधे से जुड़े सफेदपोश चेहरे बेनकाब होंगे। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा है कि पंजाब में ड्रग्स के मामले में संबंधित कई साल से बंद पड़े माननीय हाईकोर्ट के द्वारा खोले गए 3 लिफाफे सरकार के पास पहुंच गए हैं। पंजाब की जवानी को नशे से बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में हजारों करोड़ के नशे के कारोबार के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी और अब सीएम मान इसको अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं।